विंजो के बारे में तो तुम सब जानते हो यार, ये आज इंडिया का टॉप बैट ऐप है जिसपे तुम अलग अलग गेम खेल कर बैट लगा कर यार अर्न कर सकते हो। लेकिन मैं इसके काले सच से पर्दा उठा चुका हूँ, मैंने पहले ही दो वीडियो बना चुका हूँ इस पर। और गेमों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फ्री फायर में मैंने बहुत कस्टम खेल लिया है इसमें। आज भी मैं दो कस्टम खेल कर हटा हूँ 30-30 रुपए वाले, और आगे चलकर तो मैं सब बताऊंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी वो पीछे वाली दो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में भी मैं दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है यार, वो दो वीडियो जाकर जरूर देखो यार, उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली वीडियो में तो मैं अच्छा खासा अर्न, शायद 70 रुपए के आसपास मैंने अर्न किए थे 5 किल के साथ, क्योंकि यार उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। उसमें विंजो वालों ने ना रूम कार्ड की डिटेल देने में थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो मैंने तो हिट एंड ट्रायल मार के रूम आईडी निकाल ली थी, लेकिन जो हैकर थे वो उसको नहीं निकाल पाए। हाँ, हैकर, विंजो वाले हैकर हायर करते हैं अपने फ्री फायर के टूर्नामेंट में। तो आज से मैं अपना गेम चेंज कर रहा हूँ। गेम बदलना आप ही से सीखा है माही भाई, आप सिर्फ गेम बदलता है। विंजो, 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 विंजो डाउनलोड कीजिए। तो अब जो बात निकल कर आती है कि यार ये विंजो वाले ऐसा क्यों करते हैं यार, ये हमें सिंपल एक अच्छा गेमिंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं, ये अपने प्लेटफॉर्म को बिल्कुल जेन्युइन रख सकते हैं यार, कोई हैकर नहीं सारे बंदे, तो ये ऐसा क्यों नहीं करते? इसका आंसर भी है मेरे पास यार। ये तो वो बात होगी कि तुम गवर्नमेंट को पूछ रहे हो कि यार तुम कंट्री को स्टेबल रख सकते हो यार, तुम मतलब कि करप्शन के बिना भी कंट्री स्टेबल कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम करप्शन क्यों करते हो? अब इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, फिक्र क्यों कर रहे हो, तुमने मेरी वीडियो पर क्यों क्लिक किया है? तो देखो, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट को प्रॉफिट चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐसे करने लगी, मतलब कि अगर गवर्नमेंट पूरी श्रद्धालु, मतलब कि पूरा शरीफ होकर बिना करप्शन के कंट्री चलाए, तो भी गवर्नमेंट को भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। लेकिन ये लालच वही चीज़ है ना, जैसे कि यार अगर तुम रोज़ 150 रुपया कमा रहे हो, कभी ना कभी तो तुम थक जाओगे ना, तुम कहोगे कि यार मैंने 500 कमाना है। यही गवर्नमेंट करती है भाई, गवर्नमेंट भी कहती है कि मेरा अब बढ़ना चाहिए, तभी वो करप्शन करती है। अब यही एग्जाम्पल विंजो पर भी लग रहा है। अगर तुम देखो कि विंजो की जो टूर्नामेंट की एंट्री होती है वो 30 रुपीज़ की होती है, और एक सोलो में 48 बंदे आते हैं, मतलब कि अगर तुम 48 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 रुपीज़ बनते हैं विंजो वालों को, और तुम्हें पता ही होगा कि पर किल के 24 रुपये मिलते हैं। नहीं 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 बेटा, ये वहम में मत रहो। तुम लोग क्या देखते हो कि विंजो ने लिख रखा है कि पर किल के 24 रुपये? ये तुम जाल में फंस गए वहीं पे। मैंने खेला है विंजो, मैंने टूर्नामेंट बहुत खेले हैं, मुझे पता है। मैं तुम्हें अभी आगे जाके दिखाऊंगा अभी कि वो पर किल के 24 रुपये नहीं देते, वो पर किल के 12 रुपये देते हैं। हाँ सही सुना भाई, तुम लोगों ने, कई लोगों ने, जिन जिनों ने भी भाई खेला है ना ये विंजो का टूर्नामेंट, कॉमेंट में बताओ जल्द कितने रुपये मिले हैं तुम लोगों को एक किल के। तो अब अगर हम इस हिसाब से चलें कि अगर हमें 12 रुपये मिलते हैं, तो जैसे कि तुम मान कर चलो कि एक बंदा मैक्स टू मैक्स कितने किल कर सकता है। अगर हम देखें, हमने ये पता लगाना है कि, अब तुम लोग कहोगे भाई इतनी मैथ कहाँ से कर ला है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एक लॉबी में 48 प्लेयर होते हैं और एंड में एक बचता है, मतलब कि 47 मर जाते हैं। अगर तुम लगा कर चलो कि एक बंदा 47 किल करके लॉबी क्लियर कर दे, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जस्ट समझा रहा हूँ कि अगर एक बंदा 47 किल कर दे तो उसको कितना रुपया मिलेगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि विंजो वाले अपना पैसा देते कितना है। अगर तुम 12 को 47 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हें आंसर आएगा 564, मतलब कि अगर विंजो 1440 रुपये लोगों से लेता है तो वो 564 रुपया बंदों को देता है, सभी बंदों को, जितने मर्जी के लोग। ये तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा, अगर तुम मैथ्स करते हो तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन तुम मेरी बात समझ लो अगर तुम्हें नहीं समझ आया। मतलब कि विंजो वाले 1440 रुपये तुमसे लेते हैं और बाद में 564 रुपीज़ देते हैं। तुम लोग कहोगे कि यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन यार तुम्हें नुकसान नहीं हो रहा। अगर तुम एक किल करोगे तो तुम्हें नुकसान है, दो करोगे तो भी तुम्हें नुकसान है, क्योंकि 24 मिलेंगे तुम्हें, मैंने बताया कि 12 रुपये। तीन किल करोगे तो तुम प्रॉफिट में चले जाओगे भाई, यही फंडा है विंजो वाले का, ये समझ जाना बस, फिर सब कुछ समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग कि यार अब तक तो सब कुछ सही है, सब कुछ बैलेंस तो नहीं है बल्कि, पर फिर भी मान लेते हैं कि सब कुछ सही है। तो ये हैकर क्यों आते हैं लॉबी में, क्यों आते हैं ये गेम में हैकर? तो देखो,
विंजो वाले अभी भी इतना बड़ा प्रॉफिट खाकर, अगर तुम्हें मैं बताऊं को विंजो वालों को ऊपर ऊपर 875 रुपीस का प्रॉफिट उनको हो रहा है। लेकिन यार अभी यार वो रुकने वाले नहीं है, उनको अभी भी ज़्यादा बनाना है। तो यहाँ पर आता है उनका मेन ट्विस्ट, उनकी मेन स्ट्रेटेजी आती है, वो होती है हैकर वाली। वो 1, 2, 3 कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 1, 2 या 3 हैकर वो अपने गेम में भेज देते हैं। एक ना एक हैकर तो विंजो वालों का ज़रूर होता है, बाकी भाई हमारे बंदे भी बहुत होशियार हैं, वो भी आगे से हैक लगा कर आ जाते हैं, लेकिन विंजो वाले 1, 2, 3, 4 हैकर तो ज़रूर भेजते हैं। अब तुम्हें मैं बताता हूँ क्यों। हैकर कितने किल कर जाएगा, हैकर 5 किल करता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 5 किल से ज़्यादा नहीं कर पाता, बाद में वो एलिमिनेट हो सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन जो एवरेज है वो 5 किल कर पाता है। देखो 5 किल 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 60 रुपया, मतलब कि उनको बच गए। हैकर को वो नहीं देने वाले भाई, हैकर को वो नहीं देंगे पैसा जो उन्होंने खुद का हैकर दिया उसको, वो ऐसी 20-30 रुपये अपने दे के साइड कर देंगे, लेकिन वो हैकर को वो वाला उसकी विनिंग अमाउंट नहीं देने वाले। इससे विंजो वालों को और प्रॉफिट हो गया। तो यार अब मैं तुम्हें ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाऊँगा, ये तुम मैथ्स की क्लास मत समझ लेना, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हैकर क्यों आते हैं, ये मैंने तुम्हारी क्लियर कर दी। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आया ना मैथ का, सिंपल बात समझ लो तुम मेरी, कि विंजो वालों को प्रॉफिट हो रहा था, अगर वो हैकर ना लेकर आते तो भी उनको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन विंजो वाले ने अपनी कमाई बढ़ानी इसीलिए उन्होंने हैकर डाल दिए गेम में, ताकि हैकर बंदे वाइप कर दें, हैकर को हम पैसा नहीं देंगे, ऐसे समझ रहे हो। वैसे मेरे पास गेम प्ले की क्लिप पड़ी है, जो मैंने आज 2 टूर्नामेंट लगाए हैं, मैं अभी जाकर अपने गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा उसको। अगर तुम लोगों को वो गेम प्ले क्लिप चाहिए ना, तुम लोगों ने देखना है कि कैसा दृश्य होता है विंजो के टूर्नामेंट का। इस वीडियो पर यार मुझे नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 50 लाइक कर दो बस, कमेंट में बस अपना कह दो कि यार हमें वीडियो चाहिए। अगर 50 लाइक कर दी तो मैं वैसे भी डाल दूंगा, लेकिन अगर किसी ने कमेंट में स्पेशल लिख दिया कि यार मुझे चाहिए, तो मैं बिना लाइक की डाल दूंगा, लाइक गेम पूरा होए ना होए बस। लेकिन अगर 50 लाइक पूरे हो गए तो मैं डाल ही दूंगा भाई। तो यार चलो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा यार आज मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों विंजो वाले हैकर लेकर आते हैं गेम में। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो ऐसी रिसर्च करके वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तुम्हारा भाई ग्रो हो रहा है भाई, पहले से तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो चलो बाय बाय।